नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं ओएमजी बिहारी। बिहार की खबरों और मुजफ्फरपुर की खबरों के लिए ओएमजी बिहारी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण 54.01% मतदान हुआ, जो पिछले 2015 विधानसभा चुनाव में भी 54.4% की मतदान हुई थी और इस बार भी 54.01, मतलब लगभग उतने ही प्रतिशत की मतदान हुई है। कल शांतिपूर्ण हुआ। अप्रत्याशित रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान शांतिपूर्ण था। कई जगहों पे ईवीएम के खराब होने की शिकायत भी मिली और सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद मिले, पर कोरोना के दिशा निर्देशों, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह की पूर्ति की गई थी और इसका पालन करने की पूरी कोशिश की गई, पर इतनी जनसंख्या को संभालना आपके लिए मुश्किल होता है। बैंक में अब आपको पैसे जमा करने और निकालने के लिए भी अलग से चार्ज देने पड़ेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक भी इस पर विचार कर रही है। आपके चालू खाते से आप अब 3 बार ही उसमें पैसे जमा कर पाएंगे। निकालने के भी पैसे अलग से लगेंगे, चाहे करेंट अकाउंट हो, ओवरड्राफ्ट हो और सीसी अकाउंट हो, सभी से पैसे निकालने और जमा करने के अलग से चार्ज लगेंगे। अब आपके वरिष्ठ नागरिकों को भी कोई छूट नहीं दी गई है। बेगूसराय में एक एटीएम से कल अचानक नकली नोट निकलने लगे। 500 के नकली नोट लगातार निकलने लगे। 2 व्यक्तियों के शिकायत पर गढ़पुरा थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस छानबीन की तो 500 के 97 नोट नकली मिले। जी हां, 48,500 नोट नकली मिले एटीएम में। सभी नोट्स एक्सिस बैंक बेगूसराय से लेकर जमा किए गए थे वन इंडिया के एटीएम में। बेगूसराय के गढ़पुरा इलाके की घटना है ये। सावधान रहें, जब भी एटीएम में जाएं तो अपने बैंकों के एटीएम में जाएं और नज़दीकी ब्रांच से संबंधित बैंक हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिहार में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जगह रैली थी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में। दरभंगा के राज मैदान, मोतीपुर चीनी मिल और वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के मैदान में चुनावी सभा का आयोजन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा, कोरोना से लड़ाई और बिहार के विकास के लिए बिहार को स्थिर सरकार की जरूरत है। क्या आप बिहार को 15 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? जंगल राज के युवराज के साथ जाना चाहते हैं? आपका एक वोट बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। भाई और बहनों, आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। जहां जहां मतदान हो रहा है उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरते, चुनाव के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच हमारे सहयोगी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई मुकेश साहनी जी को कोरोना हो गया, बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी को भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। मैं बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इस गहमा गहमी के समय कोरोना से ग्रस्त है, तो मैं उन सब के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। बिहार के नागरिक भी इस कोरोना के संकट काल से अगर कोई बीमार है तो जल्द स्वस्थ हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। राहुल गांधी ने भी कल चुनावी दौरा किया बिहार में वाल्मीकि नगर का। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों, पीएम और सीएम दोनों रोजगार के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। चुनावी माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत भी हो चुकी है, पहले चरण का मतदान भी हो गया है। भीड़ भाड़ तो आप देख रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट भी देख रहे हैं, लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना भी आप देख रहे हैं। साथ ही नेताओं का कोरोना संक्रमित होना भी लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, स्मृति ईरानी जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की, मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला जिन्हें कहा जाता है, सहित कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये तो बातें हुई नेताओं की, आम जनता की कौन पूछता है? आम जनता की टेस्ट होगी तभी तो पता चलेगा कोरोना हुई है या नहीं हुई है, कोरोना फैल रही है या नहीं हो रही है।
मुजफ्फरपुर में कल 29 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या 500 हो गई है। अभी तक मुजफ्फरपुर में 47 मरीज कोरोना से मरे हैं। पटना में कल 178 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पटना में संक्रमितों की संख्या 35,000 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस की दुर्घटना हो गई थी, बेपटरी हो गई थी। सिलौत स्टेशन के समीप परिचालन के शुरू होने के पहले दिन ही गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के रेल अधिकारियों ने रेल डब्बे की जांच की, दुर्घटना होने के कारणों की जांच की। कल से समस्तीपुर और सोनपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन का परिचालन भी शुरू हुआ। छठ और दिवाली में पैसेंजर्स की सुविधा को देने के लिए समस्तीपुर और सोनपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जिसमें कल एक यात्री नहीं टिकट कटाया। वैसे ये इसलिए भी हुआ होगा कि ट्रेन सवेरे 6 बजे खुलनी थी और 5:45 तक कोई भी काउंटर खुली हुई नहीं थी, तो जो भी चढ़े होंगे बिना टिकट चढ़े होंगे, या किसी एक ने, जो एकमात्र व्यक्ति, रिपोर्ट की गई है कि एक ही टिकट की बिक्री हुई कल पहले दिन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, अगर आप IOCL के गैस के धारक हैं आप, तो गैस बुकिंग कराने की नई नंबर जारी कर दी गई है, 77189555555, यानी 77819 के बाद 5 बार 5 लिखेंगे और उस नंबर पे आप IOCL के गैस धारक हैं तो अपनी नंबर बुकिंग कर सकेंगे। एक नंबर और है 75 6 बार 8 और अंत में 2 4, 7588888824। इस पर भी आप अपने गैस के नंबर लगा सकते हैं IOCL वाले। कल चिराग पासवान ने भी कई जगहों का दौरा किया और गोपालगंज और सिवान जिले के कई जगहों पर, जैसे महाराजगंज का दौरा किया, महाराजगंज की जनता को भी धन्यवाद कहा। अगली बुलेटिन बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, कोरोना की बीमारी से भी बचें, महामारी से भी बचें, और ठंड का मौसम भी आ गया है, सवेरे और शाम ठंड लगने लगी है। बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें।